आज बिशुनपुरा पंचायत के लिखी पासवान के घर पर पहुंची है, जहां पे ग्रामीणों से पता चला कि लिखी पासवान के पुत्र जिनका नाम प्रदीप पासवान है, वे छत से गिर गए थे और उनके दोनों टांगों के बीच में रड 8 mm का घुस गया था सरिया, जिसके वजह से वो यहां से गढ़वा सदर अस्पताल गए। गढ़वा सदर अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया और रांची रिम्स में गए। रांची रिम्स में जाने के बाद उनकी इलाज चल रही थी और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इनका पहले घर दिखाया जाए कि इनकी जो दिनहीन स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। यह एक दूसरे यहाँ काम करते हैं तब इनको 1 जून की भोजन की जुगाड़ करते हैं। तो मैं अत्यंत गरीब परिवार के यहाँ आया हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिया और कर्ज में भी डूब गए, लेकिन रिम्स ने भी जवाब दे दिया। अब बताइए इस स्थिति में वे कहाँ जाएं? तो मैं चलिए कैमरामैन से चाहूँगा कि इनके घर को स्थिति को पहले दिखाया जाए। और मैं इनके घर में महिलाएँ यहाँ पर एकत्रित हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि जो लिखी पासवान के पुत्र हैं प्रदीप पासवान, उनकी वे जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहे हैं। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि और जितने भी वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, क्या यहाँ पर अभी तक इन लोग से परिवार से मिलने आए कि नहीं मिलने आए? तो सबसे पहले आपको गढ़वा दृष्टि में स्वागत है। पंचायत से लेकर वार्ड से लेकर VDCD से लेके पूरा जितना गांव गिजार है बिशुनपुरा के अंदर में, उतना कोई हालत से 1 पैसा होगा चाहे 2 पैसा होगा, कम से कम 100 रुपया 200 रुपया 50 रुपया मिला के और लिखी पासवान के लड़का को कैसी धरती में जिया के हिठा दूँ। ओकर एक ही वो लड़का है, कोई सहारा नहीं है उसको। पागल भी माई है, पागल भी बाप है, पागल भी चाहे बौराहा रेंगा एगो रहे वो अपना घातिल हो गया है। बताइए इस तरह की जो भी पीड़िता परिवार के द्वारा बोला जा रहा है कि उनके पिताजी भी और उनकी माता की जो दिमागी संतुलन है वो ठीक नहीं है और इस स्थिति में वो, बताइए इस तरह का घर है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो लाखों रुपए अपने बच्चे पर खर्च कर दिए फिर भी उनका बच्चा ठीक नहीं हुआ? अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि या ग्रामीण जनता जमीन भी रखा गया पता चला है, हितनाथ से भी सहयोग लिया गया, यदि अगर यहाँ की ग्रामीण जनता बिशुनपुरा प्रखंड की समस्त जनताओं से मैं अपील कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, आप तमाम लोग यदि मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो इस माध्यम से कहना चाहेंगे कि ऐसे पीड़िता परिवार के आप सहयोग करें ताकि उसकी जो जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहा है उसमें उसकी सहयोग हो। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? उतना के हम करें कि साथ ही सब चांदा तपले और जीवन भी प्रदीप को बचाए।